Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. तो भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए हर एक हिंदुस्तानी खड़ा होता है और इसी में मैं अब अपने साथ स्वागत करती हूं रवीना टंडन का जो कि मुंबई से यहां हमारे पास प्रकट हो रही है। रवीना बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। इंडियन टीम के मैचेस आप देख पा रही हैं? मैचेस देख पा रही हैं रवीना आप? हाँ जी, थोड़ा बहुत शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत देख रही हूँ आगे पीछे। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कोई मिस नहीं करता है। और फिर ये जो हाल ही में हुआ जिम्बाब्वे और इंडिया का भी बहुत ही रोमांचक रहा मैच। सुरेश रैना भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सुरेश जी बिल्कुल, रवि जी कैसे आप और इंडिया पाकिस्तान का आपने मैच? I'm good, I hope you're fine. Yeah, everything is good. और विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसे लगा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच वो खेले हैं? बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। आपको लगता है कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी दोबारा? आप तो टीवी पे छाए हुए, आपका ऐड आता रहता है टीवी में, देखते रहते हैं ब्रेक में। वेल आशा तो करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि वर्ल्ड कप जरूर आए हिंदुस्तान वापस हमारे पूरे टीम के साथ। एंड आई थिंक जहाँ तक के विराट का सवाल है, हम उन्हें बर्थडे गिफ्ट देने के बदले में उन्होंने हमारे पूरे देश को बर्थडे गिफ्ट दिया अपने परफॉर्मेंस के जरिए। एंड अगेन आई विश हिम ऑल द बेस्ट और सोचते हैं कि ऐसे ही कायम रहे उनका हर बार परफॉर्मेंस। एंड वी जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज ऑफ कोर्स फिनोमिनल। वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट यू नो ही केम एंड डिड द वे ही परफॉर्म्ड इन दैट मैच। प्लस रवीना, जिस तरह से हमारे हर मैच में ऐसा लगता है कि कोई नया एक स्टार जरूर खड़ा हो जाता है, इस पूरे टूर्नामेंट का स्टार सूर्य कुमार यादव, उनका परफॉर्मेंस देख रही हैं आप? हाँ जी, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभर रहे हैं, विच इज आई थिंक फैंटास्टिक। काफी हद तक इंडिया की उम्मीद उन पर टिकी है, खासतौर पर तब जब ओपनिंग में कोई भी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आई थिंक देन सब वेट करते हैं कि अब सूर्य कुमार यादव जी आएंगे और ये इधर बॉल उधर बॉल पूरा नॉकआउट हो जाएगा। तो इंडियन टीम को और उनके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। उनके ऊपर ये बाहुबली टाइप काफी मीम्स भी बन रहे हैं जो काफी मजेदार हैं एक्चुअली। और जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे लग रहा है आपने कोई भी मैच मिस नहीं किया आपने, मुझे लगता है प्रैक्टिस भी देख रही हैं आप। बिल्कुल एक्सपर्ट बात कर रहे हो आप। नहीं, लाइक आई सेड, मैंने काफ़ी मैचेस मिस किए हैं और काफ़ी देखे भी हैं, तो आई थिंक आई मिस द वन विथ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो चलिए, ज़्यादा मिस नहीं किया अगर आपने वो मैच मिस किया रवीना, तो हम ये कहेंगे कि आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप देख रही हैं तो हम जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा। बिल्कुल जरूर आएगा, कप हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेश, आप रवीना को गुड न्यूज टुडे पर रात 9 बजे भी देख सकते हैं आप, वो सारी अच्छी सच्ची खबरें लेकर आती हैं उस समय, हमारे हमारी जो सहयोगी चैनल है गुड न्यूज टुडे उस पर देखेंगे। तो इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट कहती रवीना टंडन हमारे साथ थी। और ये कप हमारा है अगर हम कह रहे हैं तो देखिए, अब वर्चुअल रियलिटी नहीं, अब असली में मनोज तिवारी भी आ गए हैं स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो कहें स्टेडियम कहें इसको, यहां पर पूरी हमारी ये जो हमने यहां पर एक मैदान अपना तैयार करके रखा है, क्योंकि देख रहे हैं ये जोश, मतलब इंडियन टीम इसीलिए जीतेगी क्योंकि टैलेंट तो है ही, लेकिन ये जो टैलेंट हमारा रोप्स के उस पार का भी होता है ना, ये मतलब लोग हवन भी करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको भरोसा रहता है। कितना भरोसा है कि इंडियन टीम जीत रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इंडिया की टीम इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। बस दिन का खेल होता है, क्रिकेट डे का खेल है, और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से
सेमीफाइनल में जगह बनाया है, और जैसे विराट का बल्ला जागा है और जैसे हर्षदीप की बॉल कहर ढा रही है और जैसे बीच बीच में वो जो गुजरात का अपना हार्दिक पंड्या वो कमाल दिखा रहा है, भारत का फाइनल में पहुंचना पक्का, इंग्लैंड को रगड़ देंगे एकदम। इंग्लैंड को रगड़ना है, इंग्लैंड को हर जगह रगड़ रहे हैं आज भारत भारत इंग्लैंड से वैसे भी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हाँ। सुरेश आपको शायद ये बात पता हो आप लोगों को भी कि जो पूरे दुनिया में देशों की आर्थिक स्थिति है, हम लोग ब्रिटेन को पीछे छोड़ के उस पर चले गए हैं, तो मैच में क्या है कल भी कर। और ऋषि सुनक तो दे ही दिए हैं अपने अपने ऋषि सुनक। सही है गुरु, ये वाला सही है, ये वाला सही है, और मुझे लगता है ये पूरा वहाँ बजेगा। और बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे हम लोगों के जो एक दो धुरंधर है वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जिनसे कल उम्मीद है। रोहित शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी बहुत पहले रोहित के लिए कहता था कि रोहित तुम हो गर्व हिंदुस्तान का, अभी अब मैं ऐसा कभी हाँ। लिखता था, लेकिन जब बोला तो बाद में हुआ नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया और विराट तो बहुत दिन बाद, वो जैसे अर्जुन गांडीव रख के आए थे ना अपना, बहुत दिन से टांगे हुए थे युद्ध के पहले, तो उन्होंने बोला भी था कि मैं बहुत दिन से बल्ला हमने छुआ नहीं, तभी मुझे एशिया कप में लगा था कि ये वापस आएगा। और जैसे वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कर इंग्लैंड भी धुलेगा और पाकिस्तान के लोग अभी से डरे हुए हैं, अभी से घबराए हुए हैं क्योंकि कहीं फिर 53 रन पे 82 किया था, इस बार 50 पे 100 न कर दे विराट। सही बात है, अब तो जितना होगा उससे बेहतर ही करेंगे, और इसीलिए सुरेश, अब हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरभजन, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। चलिए बहुत स्वागत है आपका, बुझुआ परिवेदा। शुक्रिया, थैंक यू रायना, मनोज भाई प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है बुझुआ परिवेदा। अच्छा ये कोड वर्ड है क्या तुम लोगों का बात नहीं, पैर छू रहे हैं वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं। सीनियर खिलाड़ी और उन दोनों के सुपर सीनियर सुनील गावस्कर जो कि एडिलेड में विक्रांत के साथ बैठे हुए हैं। विक्रांत, इमोशंस कहता है कि बहुत कुछ बदलाव कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारे वर्ल्ड चैंपियंस बैठे हैं और कुछ ही देर में अब एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर हमने यहाँ जो अपना स्टेडियम बनाकर रखा है। लेकिन एडिलेड में जब इंडिया और इंग्लैंड का सामना विक्रांत हो रहा है, वहां पर हमने दोनों टीमों की ताकत की बहुत बात कर ली है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ताकत से परे हो जाती हैं और उसमें उन खिलाड़ियों के नाम आ जाते हैं जो हार्दिक पांड्या अभी हमने जिक्र कर लिया। यहां पर फियरलेस सूर्य कुमार यादव का फियरलेस होना एक अलग लेवल पर जाता है और हार्दिक पांड्या का फियरलेसनेस एक अलग लेवल पर जाता है। पहले मैं हरभजन को जोड़ लेती हूं इस सवाल के साथ। बजी जी श्वेता, सी देखिए ज्यादा बातें तो नहीं मैं करूंगा कि काफी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो गेम यहां से आगे की गेम बढ़ेगी पाकिस्तान के साथ जब मुकाबला होगा वो तो तब की तब होगी, बट उससे पहले जो मुकाबला इंग्लैंड के सामने है वो अहम मुकाबला है, वो इम्पोर्टेंट मुकाबला है। और सबने जैसे ये जाना है कि बांग्लादेश ने भी टक्कर दी थी, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो 9.5 तक गर्दन दबा के रखी थी, पर विराट कोहली खड़े रहे, वो हार नहीं माने और उसके बाद जीत जो है उनके मुंह से खींच के लेके आए थे, ये शेरों वाला काम किया था उसने। और वैसा ही कुछ कारनामे कर दिखाने की बात जो है वो मनोज भाई ने भी अभी करी है, आगे चलते अब रोहित से भी उम्मीदें हैं कि वो सेमीफाइनल फाइनल बड़े मैच, जैसे आज हमने देखा बाबर, रिजवान, शाहीन, बड़े मैच के खिलाड़ी, वैसे ही हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको बड़े मैच में मैदान में उतरना ही नहीं होगा और जिता के मैदान फतेह करके बाहर आना होगा। अब इसमें बहुत लंबा साल हो गया यार, 15 साल हो गए, मैं मान नहीं सकता हूँ कि भारतीय टीम में 15 साल में वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2007 में हम जीते थे जब हमें ये फॉर्मेट पता नहीं था, और आज उस कगार पे हैं कि हम वर्ल्ड ओवर रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट लीग है जो मतलब अलग अलग तरीके के प्लेयर टाइम टू टाइम निकाल के सामने टैलेंट रखती है, तो उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड कप में जीते, ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक है चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अब वो जो कहते हैं ना कि
जो बनवास है वो खत्म हो और कप लेकर के हमारे घर वापस आए हमारे सब खिलाड़ी तो मजा आ जाएगा। श्वेता, मैं इतना ही कहना चाहूंगा और कल के लिए डट के खेलो, ऐसा खेलो कि बस अपनी छाप छोड़ जाओ। ये अच्छा पैरेलल आपने ड्रॉ किया है, 14 साल का वनवास था, यहाँ 15 साल का हो गया है विक्रांत, और इस बार तो यकीन हो रहा है कि वाकई जिस बिग मैच माइंडसेट की बात कर रहे हैं भजी, वाकई इंडियन टीम ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है, और इतने सालों में हमारी सबसे बड़ी खासियत यही होती गई है कि हम जानते हैं कि इन बड़े मैचों को कैसे जीता जाए। श्वेता, दो बातें, एक तो अरसा इंडिया की टीम थी जो बिग मैच टीम कही जाती थी कि बड़ा मैच है इनको जीतना आता है, बट पिछले कुछ साल से आई थिंक स्पेशली सनी भाई अगर आप पिछले 7-8 साल से देखें वो सेमीफाइनल एक बैरियर बन जाता है समहाउ, वो आप अच्छा खेलते हैं सेमीफाइनल एक ऐसा गेट बन जाता है जिसे आप ब्रीच नहीं कर पाते। अब इसको या तो आप कहें कि यार ये हमारी कमजोरी है जो न्यूजीलैंड के साथ दिख जाती है, ऑलवेज दी ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड, वो आके फाइनल में चूक जाते हैं सेमीफाइनल में चूक जाते हैं, या तो ये हालिया हमारी कमजोरी बन गई है, या फिर ये देखें कि इस टीम के लिए दिस कुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन अ वर्ल्ड कप, जो सनी भाई शायद 2011 में भी था कि कई प्लेयर्स के लिए आखिरी वर्ल्ड कप था और लोग कहते थे यार ये लास्ट चांस है, शायद इस टीम में भी वर्ल्ड T20 जीतने का ये कई प्लेयरों के लिए लास्ट चांस है। और जो हम बॉडी, आप तो चूंकि मैच के बहुत करीब होते हैं, मैं प्रैक्टिस जाके भी देखता हूं, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिख रही है, वो एशिया कप में हार से मुझे लगा इस टीम ने सीखा भी है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहली मैच देखी पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर हमने जीत हासिल की, और बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ कठिनाई थी पर उसके बाद में भी जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया, तो उससे ये पता चलता है कि ये अलग सी टीम है। देखो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की इस टीम ने प्रेपरेशन किए, बहुत कम भारतीय टीमों ने ऐसी प्रेपरेशन किए, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले 18 दिन वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, 18 दिन पर्थ में जाकर दो वार्म अप मैचेस खेले, पर्थ की जो पिचेस होती है वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पिच में थोड़ी सी ज़्यादा उछाल होती है, गति गेंद की गति ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस उन्होंने की थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आकर आप भी जानते हैं कि कुछ 2-3 दिन ऐसे लगते हैं कि आपका बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए 5 घंटे का सीधा फर्क है तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये जो प्रेपरेशन बनी है उसके बाद में वार्म अप मैचेस खेले ब्रिस्बेन में, तो जिस प्रेपरेशन से जिस सोच से ये टीम आई है तो इसी से तो आशा बढ़ती है कि आगे जाकर, मतलब ये सेमीफाइनल में कभी कभी एक जो स्पीड ब्रेकर होता था वो स्पीड ब्रेकर भी अभी वो सपाट करके वो आगे जाएगी, भारतीय टीम की गाड़ी आगे जाएगी। सनी भाई ये कंडीशंस जो बदली हैं, क्योंकि मैं और सनी भाई श्वेता क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, फॉर्चुनेटली पिछले 20 दिन से यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा थी, अचानक क्या हुआ ना 4 दिन में ये मौसम बदला है। ये वही एडिलेड है, पिछले हफ्ते सनी भाई इसी एडिलेड में हम लोग थे और ठंड से मतलब हाथ पैर कांप रहे थे, अचानक से यहाँ पर इतनी तेज गर्मी आ गई, तो ये कंडीशंस किस तरह से बदली हैं और ये बदलाव कंडीशंस में गर्मी ड्राई वेदर ये भारत को सूट करता है या इंग्लैंड को ज्यादा सूट? भारत को, भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय फील्डर्स को बहुत ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि एक तो बात है कि इन कंडीशन में स्पिनर्स ज़्यादा काम करेंगे, जो इंग्लैंड के पास स्विंग बॉलर है उनका ज़्यादा उनकी गेंदें ज़्यादा स्विंग नहीं होगी, वैसे भी तो ज़्यादा स्विंग नहीं करती, वो सीम बॉलर है, मतलब गेंद गिरने के बाद पे सीम भी नहीं होगा। हाँ, हमारे पास भुवनेश्वर है, हमारे पास अर्शदीप है, वो हवा में भी स्विंग करते हैं और गिरने के बाद भी सीम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी ऑलराउंड टीम है, सिर्फ शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, पहले 6 ओवर में जो हम बल्लेबाजी करेंगे वो पावर पे जो है उसमें हमारी भले धीमी शुरुआत हो, 40 रन हो 45 रन हो, पर कोई विकेट अगर नहीं गई जैसे कि आज पाकिस्तान ने किया, तो फिर उसके बाद में हम 125 रन भी कर सकते हैं और टीम का टोटल 180-200 तक हम ले जा सकते हैं, पर एक जो प्लेटफॉर्म बनना है वो होना चाहिए, और जब हम फील्डिंग करेंगे तो पहले 6 ओवर में हमने अगर 2 विकेटें ले ली इंग्लैंड की तो फिर इंग्लैंड बैकफुट पे जाएगी। नहीं, और श्वेता ये तो है ही है, क्योंकि अगेन आपने बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं सनी भाई हैं, सुरेश रैना, हरभजन सिंह है, एक और वर्ल्ड चैंपियन मैं जानता हूं वो भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, बट होता क्या है ना कि जो बड़ा मुकाबला है उसमें कभी कभी आप 160-170 में मैच जीत जाते हैं, आमतौर पर लीग मैच में कभी कभी 200 रन भी काफी नहीं होते, और इंग्लैंड की ये अब ताकत कहें कमजोरी कहें वो क्रिकेट एक ही तरीके से खेलते हैं,
वो T20 में उनका टेम्पलेट बदलता नहीं है, उन्होंने चलाना है तो चलाते ही रहना है, एक आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा। और शायद वो ऐसी टीम है जो कहती है यार हमें नहीं प्लेयर चाहिए वो 80 रन बनाने वाला जिसके इर्द गिर्द हम जाएंगे, वो कहते हैं यार सबने 18 बॉलें खेल के ना 30 रन बना दो हम अपना 200 बना देंगे। बट ये वर्ल्ड कप, ऊपर से सेमीफाइनल और ऊपर से लीग मैचों में उनका ये टेम्पलेट चला नहीं है, वाकई चला नहीं है। और उनका जो जो खासकर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन देखते हैं, मतलब दहाई दहाई के आंकड़ों में उनके रन भी हैं और उतने ही गेंदे वो खेल भी पाए हैं, तो उस तरह की चीजें हमारे सामने दिखती हैं सुरेश। लेकिन ये जो जो सनी भाई भी कह रहे थे ना कि हमारा स्लो स्टार्ट रहे कोई बात नहीं, विकेट हम रोक कर खेल रहे हैं और उसके आगे फिर हम रन बना लेंगे, पर ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है या बन नहीं पाए हैं? 5.96 हमारा उस समय औसत रहा है जो कि सिर्फ तीन देशों के पीछे हैं हम, मतलब चौथे नंबर की टीम है स्लो शुरुआत करने में। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि अच्छी बात भजूपा ने ये बोले कि वर्ल्ड कप नहीं जीते, इतना टाइम हो गया, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम लोग, उसके बाद जीते नहीं कोई वर्ल्ड कप। और जो आप बैटिंग की बात करें, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेना पड़ता है क्योंकि किसी भी ग्राउंड पर आप खेलते हो, एक दो ओवर एडजस्ट करना पड़ता है। और इसीलिए आप बांग्लादेश वाले मैच में देखोगे तो रोहित अटैक करने को देख रहे थे, अगर रोहित 10 बॉल भी खेल गए उधर, वही सनी भाई बात कर रहे थे कि आपको 10-12 बॉल खेलना पड़ेगा क्योंकि बाद में वो आराम से वही 20 बॉल पे 40 रन बनाने की क्षमता भी रखते, चाहे वो रोहित हो चाहे राहुल हो। लेकिन कल इंपॉर्टेंट स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है, 6 ओवर में अगर 40-45 भी हुआ, विकेट नहीं गिरा, तो मुझे लगता है हम कल 200 बनाने वाले हैं एडिलेड में, क्योंकि हमारी बैटिंग की डेप्थ वैसी है वो। हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार अच्छी फॉर्म में, विराट कोहली हर मैच फिनिश कर रहे हैं वो, और अभी आप देखिए अभी अक्षर पटेल भी होगा, अश्विन ने भी वो चौका जो मारा है, लेकिन जो हमारे टॉप 4 हैं वही रन बना रहे हैं वो। और रोहित का कल इसलिए चलना जरूरी है क्योंकि हम कल तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जो फाइनल में जो सेट टोन होगी ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल, वो टोन सेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान मजबूत टीम को हराकर और बहुत कन्विंसिंगली हराकर मनोज जी पहुंच गए हैं फाइनल में। अब फाइनल पाकिस्तान से और कोई तो जीत ही नहीं सकता, इंडिया ही जीतेगा। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, व्यवस्था ऊपर वाला भी बना के चलता है तो इंटरेस्टिंग भी वही है। जब पहला मैच भारत पाकिस्तान का था, देखिए हम लोग थोड़ा सा ले पर्सन की तरह सोचते हैं, हम लोग जिस शो में है, सुनील गावस्कर सर बैठे हैं उधर, हरभजन जी बैठे हैं, सुरेश रैना बैठे हैं, तो मैं तो यूनिवर्सिटी लेवल का क्रिकेटर रहा हूं, तो अभी मैं ये तो देख लेता हूं कि पहले दिन भारत पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो मुझे लगा फाइनल यही है, अब फिर दोबारा फाइनल होने जा रहा है, तो दो फाइनल वाला ऐसा मेरा मन कह रहा है। और हमारे लिए आज वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, मैं तो सिर्फ एक 4 लाइन की कविता अपने देश के तरफ से कहना चाहता हूं, और मैं उसको सुर में भी अभी बैठे बैठे ढाल रहा था, मैं कहना चाहता हूं, देश नायकों, भारत के देश नायकों, देश नायकों, भारत के देश नायकों, अब पीछे मत देखो, तुम मुड़ के मत सोचो, बल्ले को समझ लेना, गांडी उबीर तुम कुछ भी कर सकते हो, अब रणधीर तुम कुछ भी कर सकते हो, अब रणधीर तुम, ये मेरा मानना है। ये बहुत अच्छा सिंगर है सुरेश भाई, अरे लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी कर सकती है हमारी टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अच्छी बात है कि एडिलेड में मैच है, मैं स्टडी कर रहा था तो देखा एडिलेड विराट का बहुत सफल ग्राउंड है वहाँ, अभी तक जब भी वो खेले हैं सफल हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारा एक जो ओपनर है राहुल भाई, वो आ गया है एक मैच में 50 बना के लास्ट में, तो अब मुझे लगता है कि एक और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि राहुल का खेल करके आना विपक्षियों पे भारत के विजय की बड़ी निशानी होती। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।